Assalamu alaikum, my name is Van Chima. Welcome back with another video of Lahore Smart City. आज के इस वीडियो में लाहौर स्मार्ट सिटी में जो लेटेस्ट साइट डेवलपमेंट है उसका आपको लैंड व्यू दिखाऊंगा कि इस वक्त अगर लेट्स से ग्राउंड में आप गाड़ी भी गुजरते हैं तो आपको किस तरह का व्यू मिलता है, और साइट पे आपको डेवलपमेंट के अपडेट के हवाले से भी आगाह करूंगा कि इस वक्त साइट पर डेवलपमेंट का अपडेट क्या है। राइट नाउ मैं जिस रोड में मौजूद हूँ, इस रोड की वेट था 350 फीट और ये 14 लेन मेन बुलेवर्ड है, यानी फोर लेन ईस्ट साइड एंड 3 लेन और सर्विस रोड, जिसके साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड पर कमर्शियल प्लॉट वॉक होंगे। तो ये 350 फुट का रोड है जिसकी ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास ऐसा पैच है जिसे प्रॉपरली सोसाइटी की तरफ से ब्लैक टॉप और कार्पेटिंग काम किया जा चुका है। मैं आगे जाकर आपको दिखाता हूँ जहाँ पे कार्पेटिंग हो भी रही है जिस राउंड अबाउट पे, वो भी आप देख लेंगे, विटनेस कर लेंगे। ये अपडेटेड वीडियो 20th of January 2023 की, और आपको इसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी लाहौर स्मार्टी में लॉन्चिंग के एग्जैक्ट 14 महीने बाद की डेवलपमेंट की स्टेटस क्या है, यानी कि सितंबर 2021 में यहाँ डेवलपमेंट साइट के लिए मशीनरी मूव की गई थी और 2021 दिसंबर से लेके आज 14 मंथ है और साइट पर डेवलपमेंट की सूरत है। राइट साइड पे आपको जो कैंप ऑफिस नजर आ रहा है, लाहौर स्मार्टी की अपनी मैनेजमेंट का ऑफिस है जो साइट पे बैठते हैं और प्रॉपरली यहाँ पे जितने डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं साइट की डेवलपमेंट के लिहाज से वो फॉलो करते हैं। और सामने आपको जो मशीन नजर आ रही है आपको कार्पेटिंग करते हुए, ये लाहौर स्मार्टी में 350 फुट का जो मेन बुलेवर्ड है उसके ऊपर जो राउंड अबाउट बनना है, जहाँ पे एक तरफ आपका बिजनेस एवेन्यू है और बिजनेस एवेन्यू के साथ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे लाहौर में फ्यूचर में जाकर जितने लाहौर के बड़े ब्रांड्स होंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा। तो लाहौर में ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी की सबसे अच्छी अप्रोच है कि आप एडवांस में एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन करें जिसकी लाहौर में ऑलरेडी डिमांड मौजूद है, यानी लाहौर के अंदर इस वक्त मेंबर्स के पास ये रेगुलर डिमांड इस चीज़ की है कि वो यहाँ पे प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट यानी कि प्लॉट बाय करना चाहते हैं, कमर्शियल बाय करना चाहते हैं, और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं कि अपने बिजनेसेस के यहाँ पे स्टार्टअप करना चाहते हैं, यानी उसको आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो लाहौर स्मार्ट ने उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। जिस रोड पर मैं भी हूँ, 180 फुट वाइड है, सिंगल रोड है, कोई बीच में वो डाइवर्जन नहीं है और आपको डायरेक्टली लीड करता है 350 फुट रोड पर जाके, जिसके साथ कैंप ऑफिस और सोसाइटी का अपना सेल्स ऑफिस मौजूद है। और ये रोड आगे जाके थोड़ा लीड करेगा आगे जो मेन सिलिकॉन वैली है उसके साथ लीड करेगा, और राइट साइड और लेफ्ट साइड पर इसके एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक है वो भी उसकी ब्राउनिंग उस तरह से नहीं हुई, लेकिन सोसाइटी के अगली बैलेटिंग में 6 माह तक जब नंबर्स क्लियर होंगे कि बैलेटिंग में जिन मेंबर्स के प्लॉट आएंगे तो उसके बाद मैं एग्जैक्ट मैप एक्सप्लेन कर पाऊंगा। राइट नाउ मैं ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, ये जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है ये सारी चीज़ें तो मास्टर प्लान में डिक्लेयर्ड है ना, ये डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे पूरे, तो ये तो ऑलरेडी मास्टर प्लान में डिक्लेयर्ड है, उनके रोड डिक्लेयर्ड है, कितने फीट वाइड है, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन जहाँ तक रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, उनके बारे में टिल द टाइम सोसाइटी की तरफ से ऑफिशियल मैप लॉन्च नहीं किया जाता हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। फिर जब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन होगी तो इंशाल्लाह मैं उस हवाले से आपको तमाम चीज़ें डिटेल से दोबारा अपडेट कर दूंगा। राइट नाउ जिस रोड पे हूँ इसकी वही 180 फीट वाइड बुलेवर्ड है, लेफ्ट राइट पे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और आगे जाके जिस जगह कनेक्ट करेगा जिस रोड का नाम होगा सिलिकॉन डिस्ट्रिक्ट उसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा, तो आपको वहाँ से भी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। मैंने पहले भी 3-4 वीडियोज नहीं है लाहौर स्मार्टी की साइट पर जिसने बात की थी कि आप साइट पर गाड़ी में 25 से 30 मिनट तक आराम से घूम सकते हैं, यानी अगर आप साइट पर विजिट करते हैं कारपोरेट रोड पर 25 से 30 मिनट तक आप ड्राइव करें क्रूज करें तो आपको कोई मसला मसाइल नहीं पेश आएगा। और इसकी रीज़न ये है कि लाहौर स्मार्टी ने साइट पे 12 से 15 हज़ार कनाल एरिया ऐसा रकबा ऐसा है जिसको उन्होंने एक तो ब्राउन किया है, जैसे इस्लामाबाद मंडी में होता है ना कि आपकी जो एलिवेशन है वो ऊंची होती है कि कुछ जगह पे डिप्रेशन है तो बहुत शेयर डिप्रेशन है, कुछ जगह पे हाइट है तो बहुत शेयर हाइट है, तो उसको यहाँ पे इस तरह का मसला नहीं है क्योंकि लाहौर सारा प्लेन लेवल ज़मीन पर है। तो यहाँ पे सोसाइटी ने डायरेक्टली सिर्फ मेन बुलेवर्ड्स निकालना शुरू किए हैं, यानी मेन बुलेवर्ड्स निकालते हैं, राइट लेफ्ट पे जो एरिया होता है उसको ब्राउन तो ऑलरेडी हुआ होता है, ग्रीन भी है तो उसको जो ब्राउन करते हैं तो साथ ही उसका पोजेशन अनाउंस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक मेजर पार्ट है। मैं एक और चीज़ का यहाँ पे आंसर करना चाहूँगा, मेंबर्स अक्सर बात करते हैं कि लाहौर स्मार्ट में डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में कि लाहौर स्मार्ट में डेवलपमेंट चार्जेस क्या होंगे। मेरा ख्याल है कि लाहौर स्मार्ट के डेवलपमेंट चार्जेस कैपिटल स्मार्ट के नस्बत कम होंगे, उसकी वजह यह कि लाहौर स्मार्ट के अंदर जितनी लैंड है वो सारी प्लेन लैंड है, यहाँ पे कटिंग फिलिंग इस तरह का चक्कर एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ एग्जिस्ट करती है वो है रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर। और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ से ऐसे बनता है कि जैसे रोड प्लेन ज़मीन है, प्लेन ज़मीन के साथ फिर पहले उसकी जगह पे पत्थर डाल के उस जगह थोड़ा सा एलिवेट किया जाता है जहाँ पे रोड बनना होता है, एलिवेट करने के बाद उस जगह पर फिर उसकी कॉम्पैक्शन की जाती है मशीन के थ्रू प्रॉपरली, उसको एक रोड को प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करने के बाद उस पर फिर आगे ब्लैक टॉप और उसके बाद आगे कारपेटिंग की जाती है। तो ये इसलिए लाहौर में आपको प्रोसेस जो है वो 12 से 15 हज़ार कनाल का साल के अंदर इसलिए नजर आ गया कि ज़मीन सारी लेवल थी और डेवलपर एचरल था, यानी कि एचरल जैसा नाम हो जिसके पाकिस्तान में 75 साल में बहुत बड़ी डिलीवरेंस दिखाई हो और उसको ज़मीन मिले लाहौर की प्लेन ज़मीन, तो उनके लिए तो मजाक करना इसको डेवलप करना, एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद की जिसकी ट्रेन को डेवलप करना आप चक्री रोड की सारी सोसाइटीज को मिला लें, लाहौर स्मार्टी को मिला लें और कैपिटल स्मार्टी को मिला लें तो आपके पास जितनी लैंड बनती है कैपिटल स्मार्टी की वो चक्री रोड और जितने इस्लामाबाद पंडी में पिछले 5 साल में जितनी सोसाइटीज लॉन्च हुई है सबको लैंड कंबाइल कर लें और कैपिटल स्मार्टी की लैंड कंबाइल कर लें तो एक बराबर है। यानी कैपिटल स्मार्टी के अंदर 2021 के जो मैप्स है गूगल अर्थ के अपडेटेड उसके मुताबिक
34,224 कनाल रकबा जो डिलीवर हुआ हुआ है। और अभी अपडेटेड मैप तो नहीं आया गूगल पे, लेकिन अप्रोक्सीमेट अराउंड कह लें कि 50,000 कनाल के आसपास ऐसा एरिया है जो ज़मीन पे प्रॉपरली आपको डिलीवर्ड नज़र आता। तो ये कैपिटल में जो HNLF ने जो अपनी डेवलपमेंट दिखाई है उसका सबूत आप कैपिटल में देख सकते हैं, और लाहौर में जो डेवलपमेंट हो रही है उसका सबूत आप फिजिकली लाहौर में देख सकते हैं। क्योंकि लाहौर जो बेसिकली हब है HNL का, यानी कि जितने मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे HNL के वो लाहौर से ही स्टार्ट हुए थे। तो इसलिए लाहौर को अपनी प्रेफरेंस पर रखा गया कि साल के अंदर अंदर 15,000 कनाल एरिया रकबा जो डेवलप कर दिया है, पोजेशनेबल कर दिया है, और जहाँ पे रोड्स प्रॉपरली कारपेट कर दिया है। ये मैं बात करता हूँ जब डेवलप कर दिया, पोजेशनेबल कर दिया है, ये कैपिटल नहीं है। जहाँ ब्राउनिंग को हम कहते हैं कि यार ब्राउनिंग हो गई तो लैंड जो है ब्राउन कंसिडर होती है, ब्राउन से मीन मुराद होती है कि लेट्स रॉ लैंड है, ब्राउन से मुराद ये होती है कि लेट्स से रॉ लैंड है, रॉ लैंड को जब आप प्रॉपरली डेवलप करते हैं, उसकी ब्राउनिंग करते हैं, उसकी मतलब उसको मशीन फेरते हैं, तो उसको ब्राउनिंग कहते हैं। लेकिन लाहौर में चूंकि ज़मीन सारी लेवल्ड है, तो लेवल ज़मीन पे आपको डायरेक्टली रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना पड़ता है। आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में देखें तो आपको तकरीबन 750 के आसपास विलाज हैं जो बने हुए नज़र आते हैं, और लाहौर स्मार्ट सिटी में अगर आप देखते हैं तो आपको साल के अंदर वहाँ पर तकरीबन 3 साल का टाइम लगा है। और लाहौर में अगर आप देखें तो बुलेवर्ड अगर काउंट करें तो बुलेवर्ड तकरीबन बन जाती हैं आपकी 7-8 मेन बुलेवर्ड बन जाती हैं जिनकी कारपेटिंग हो चुकी है। और विलास का अगर नंबर काउंट करें तो 300 से 350 के दरमियान ऐसा नंबर है जो ज़मीन पे विलास का एग्जिस्ट करता है, ना सिर्फ एग्जिस्ट करता है प्रॉपर ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो सके हैं जिनको मार्च में लॉन्च किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि शायद इसको कैश पे लॉन्च किया जाए, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंस्टॉलमेंट भी लॉन्च किया जाए। इन एनी केस जिस तरह से भी लॉन्च किया गया इसको, ये मेंबर्स के दरमियान काफ़ी फेवरेट हो, क्योंकि लाहौर में इससे पहले ऐसा देखने में नहीं आया कि चीज़ लॉन्च की जा रही हो रेडीमेड करके, यानी तैयार करने के बाद बेची जा रही हो और किस्तों में बेची जा रही हो। तो अगर लाहौर में पहले रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऐसे किया गया और बाद में अगर लेट से कमर्शियल प्लॉट्स भी देखें तो इंस्टॉलमेंट्स मेंबर की चल रही हैं, यानी आपने 3.5 साल के पेमेंट प्लान प्लॉट बाय किया और 3.5 साल के पेमेंट प्लान पे आपकी प्रोडक्ट जो आज की डेट में डेवलपमेंट उसकी है कि वो 100% कंप्लीट है। तो सेम गोज फॉर कि यहाँ पे जो बड़े प्लॉट्स होंगे, यानी अभी आगे जाके आप देखेंगे ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा कि बड़े प्लॉट जो कमर्शियल के उन पे प्रोजेक्ट्स का, यानी कि जो बड़े कमर्शियल होते हैं फॉर एग्जांपल 10 कनाल 15 कनाल 20 कनाल इस तरह के जो थे, अब राइट साइड पर आपको लाहौर डाउनटाउन के प्लॉट नजर आ रहे हैं। अब ये इटसेल्फ सोसाइटी का अपना प्रोजेक्ट है, सोसाइटी का अपना प्रोजेक्ट मीन्स कि सोसाइटी ने इसको खुद इटसेल्फ बनाकर डिलीवर कर रही है, और डिलीवर करने का मकसद ये है कि सोसाइटी इसको अगले आने वाले 2 माह के अंदर अंदर इसका प्रोजेक्ट जो जमीन से इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टार्ट कर दिया। आपको कुछ जगह पे मिट्टी की जो ढेरियां नजर आ रही हैं, बेसिकली सॉइल टेस्ट के लिए जो बोरिंग की जाती है ये उसकी वो मतलब स्पेस बनती है, और ये ओपोजिट टू ओवरसीज प्राइम ब्लॉक ए है, यानी कि ओवरसीज प्राइम ब्लॉक ए लेट सपोज ये 1000 कनाल पे ऑपोजिट साइड पे लाहौर डाउनटाउन, यहाँ पे हाई एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग लाहौर के अंदर, क्योंकि हाई एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग का काफी योगदान है, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर अपार्टमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जिस तरह होता है ना कि आप इस्लामाबाद में देख लें, कराची में देख लें कि वहाँ पे अपार्टमेंट की एक्सेप्टेंस ज्यादा है, लेकिन एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद एंड कराची लाहौर के अंदर एक्सेप्टेंस जो अपार्टमेंट की कम है, और हाई एंड अपार्टमेंट जो है वो ना होने के बराबर है। लाहौर में गिने चुने आपको 3-4 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जहाँ पे आपको हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और इस्लामाबाद में ना करते हुए 15-20 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हाई एंड अपार्टमेंट हैं। तो मेरा ख्याल है लाहौर स्मार्ट सिटी में ओवरसीज प्राइम ब्लॉक ए के ऑपोजिट साइड पे मेरे, मैं अभी गाड़ी का टर्न लेता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा, मेरे लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग है जो प्लॉट बनता है, अब अप्रॉक्सीमेटली 500 से 1000 कनाल का प्लॉट होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे सिर्फ 200 से 250 प्लॉट सिर्फ कनाल के हैं और तकरीबन 400 के आसपास प्लॉट ऐसे हैं, 500 के आसपास प्लॉट ऐसे हैं जो 10 मरला के हैं। तो लेट्स मैं उसका उस एरिया के बराबर इसकी नस्बत काउंट करूँ तो मेरा ख्याल है 500 से 1000 कनाल एरिया ऐसा होगा जिस पर सोसाइटी की तरफ से प्रॉपर हाई एंड अपार्टमेंट या इस तरह की जो चीज़ें होंगी शुरू की जाएगा। ये रोड जिस पर मैं अभी गाड़ी गुजार रहा हूँ, इस रोड की बेड 50 फीट, ये लाहौर डाउनटाउन की बैक साइड वाली रोड है, और लाहौर डाउनटाउन की बैक साइड वाली जो रोड है उस जगह पे इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस है आपके सामने 100% कंप्लीट नजर आता है। और अभी ये जो सॉइल टेस्ट हुए यहाँ पे, इट मींस कि यहाँ सोसाइटी अगले 1 महीने या 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे साइड पे अपना लाहौर डाउनटाउन प्रोजेक्ट जो है, जिसमें हाई एंड अपार्टमेंट, जिसमें मिक्स यूज कमर्शियल शॉप्स, जिसमें आपके ऑफिसेज, जिसमें आपके फूड आउटलेट्स, तमाम चीज़ों को यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में लाहौर स्मार्ट सिटी में जो मेंबर्स इन्वेस्टमेंट करें, जैसे प्रीवियसली मेंबर ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न इन्वेस्टमेंट लिया और जिन मेंबर्स ने पोजेशन लेना था उनको मिला है पोजेशन, इस तरह जो मेंबर्स ये नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें उनको भी अच्छी तरह अच्छे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिले जैसे कि प्रीवियसली मेंबर्स को मिला है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे अप टू 400-500% तक लोगों को रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिला है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट दे पेड अगेंस्ट देयर प्लॉट। नंबर टू जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उस पर तो बात ही ना करें, क्योंकि कमर्शियल प्लॉट लॉन्च हुआ था चारमला 89.5 लाख रुपीज़ का, जो वैलिडेड प्लॉट हैं जो डेवलप हो गए हैं पोजेशनबल हो गए हैं उनकी मार्केट में डिमांड है 1,95,00,000। तो इमेजिन करें कि आपने प्लॉट की कीमत का 30 लाख या 40 लाख पे किया और उसके ऊपर आपको 1,40,00,000-1,50,00,000 का प्रॉफिट आ रहा हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाकर स्टैंड करती है, तकरीबन 700 से 800% रिटर्न इन्वेस्टमेंट बनता है। इतना बड़ा नंबर एटलीस्ट मैंने तो अपनी हिस्ट्री में या मैंने अपनी रियल एस्टेट करियर में किसी का भी नहीं देखा जितना बड़ा नंबर आपको यहाँ पर नजर आता है।
तो ये लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर फिजिकली मेंबर्स को करके दिखाया गया है। और ये नहीं है कि ये जो प्लॉट डेवलप किए गए हैं ये सारे के सारे प्लॉट डीलर्स के पास हैं या मैनेजमेंट के पास हैं, किसी के पास मतलब अपने पास ही रखे हुए हैं तो इसलिए वो इतना महंगा है। ये सारे के सारे प्लॉट्स मेंबर के पास हैं, यानी कि एंड यूजर्स के पास हैं। आज भी आप लाहौर स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस जब जाते हैं, विजिट करते हैं, आपको ट्रांसफर्स की लंबी लाइन नजर आती है। किसी से पूछते हैं उसे प्लॉट आपने कितने का बाय किया था, 2160 की एग्जाम्पल ले लें, जो 5 मरल की फाइल थी ये हमने लेवल पर बाय किया था, आज कितना प्रॉफिट है 5 लाख रुपया। 4 मरल आपने कितने का कमर्शियल बाय किया था एग्जेक्टिव ब्लॉक का, जी हमने 84.5 लाख रुपीज़ का, आज कितना प्रॉफिट है उस पर 35 लाख रुपया। तो आपको जो पेड अमाउंट है उसके ऊपर प्रॉफिट के नंबर इतने बड़े होते हैं कि हर बंदे को चीज अच्छी लगती है कि लाहौर के अंदर इतना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट। अब देखें इन्वेस्टर का रुझान जो है स्पेशली स्मॉल स्केल इन्वेस्टर, जिसके पास 5 लाख रुपया वो भी इन्वेस्ट कर सकता है और जिसके पास 10 लाख है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है, उन लोगों को इतने ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिले अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो ये था लाहौर स्मार्ट सिटी का आज का ग्राउंड रिव्यू, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ साथ जो भी डेवलपमेंट अपडेट्स आती रही। सो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रॉम डे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolution.com। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। आने वाले दिनों में ट्राई करूंगा उसमें डिटेल वीडियो बना दूँ। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए। खुदा हाफिज़।